हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज हम किसी इम्पॉर्टेंट लेसन, किसी प्रोडक्टिविटी हैक या किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करने जा रहे। हम बात करने जा रहे हैं उस कन्फ्यूजन के बारे में जो मेरे मन में और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में अभी है कि भाई कौन से कॉलेज जाएँ। यार तुम्हारी भी अगर जेई मेन में परसेंटाइल 95 से 99 के बीच में है तो तुम्हें भी बहुत कन्फ्यूजन होगा कि एग्जैक्टली कौन से कॉलेज जाए, क्योंकि इस रैंक्स में बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास खुल जाते हैं। और यार सिर्फ जेई मेन्स की बात नहीं है, आप अगर कोई भी स्टूडेंट हो और अगर आपको अभी अपना कॉलेज चूज़ करना है तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम कौन सी स्ट्रीम में जा रहे हो, हमें चूज़ करना पड़ता है कि हम कौन से कॉलेज में जाएं। तो उन सारे फैक्टर्स को मैं आज डिस्कस करूँगा जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक कॉलेज लेने से पहले। हो सकता है वो आपको भी एक बेटर पिक्चर दे और आपको भी हेल्प करे अपना डिसीजन लेने में। तो यार बहुत बड़ा डिसीजन होता है ये जो हमें लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट कर सकता है। तो फिर ये वीडियो एंड तक देख लेना, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा और बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेज मेरे को इन सारे ऑप्शंस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या क्राइटेरिया मैं सोच रहा हूँ एक कॉलेज चूज़ करने से पहले। लेट्स बिगिन। सो चलो यार डिस्कस करते हैं उन पांच पॉइंट्स को जिसके बेसिस पे मैं कॉलेज चूज़ कर रहा हूँ। पर उसके पहले, हेलो सिंड्रेला, सिंड्रेला या नहीं। नंबर वन, एक्सपोजर एंड कॉलेज ब्रांड। तो यार कॉलेज ब्रांड की वैल्यू तो हम में से कई ज़्यादा लोग को पता ही होगा। IIT ब्रांड तो सबको पता ही है यार, कोई IITian बोलता है तो हमारे दिमाग में एक अलग ही इमेज बन जाता है। तो ऐसे ही यार IIT अलोन नहीं है, और भी कई सारे कॉलेजेस हैं जिनका ब्रांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें उसे भी एक बार लेके चलना चाहिए। और उसके कई सारे फ़ायदे हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा तो हम सबको पता ही है, आंटी अंकल को बताने में मज़ा आता है। लेकिन हाँ, उससे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि यार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाती हैं, है ना। कोई बच्चा बोलता है वो XYZ कॉलेज से और कोई बच्चा बोलता है कि वो IIT से, तो एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो पहला पॉइंट हो जाएगा कॉलेज ब्रांड। और उसी के साथ एसोसिएटेड एक और पॉइंट है यार, वो है एक्सपोजर। क्योंकि यार जितने अच्छे तुम कॉलेज में जाते हो, जितना अच्छा कॉलेज का ब्रांड होता है, तो अक्सर उतना ही स्ट्रॉन्ग वहाँ पे एक्सपोजर भी होता है कि तुम डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलते हो और जो आगे चल के बहुत बढ़िया बढ़िया फोड़ने वाले अपने अपनी फील्ड में। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को मैंने एक ही साथ में कल्मिनेट कर लिया, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज जहाँ ब्रांड अच्छा होता है वहाँ एक्सपोजर अच्छा होता है, जहाँ एक्सपोजर अच्छा होता है उसका ब्रांड भी अच्छा होता है। तो ये है पॉइंट नंबर वन, एक्सपोजर एंड कॉलेज ब्रांड। नंबर टू, प्लेसमेंट्स। यार प्लेसमेंट्स तो पता ही है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्लेसमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि 4 साल 5 साल जितना भी आप एक कोर्स में लगा रहे हो उसके बाद लोग कितने अर्न कर पा रहे हैं और किस जॉब रोल के लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें देखना चाहिए कि वो जॉब रोल और वो प्लेसमेंट जो है वो उसकी अच्छी हैं या नहीं है, हमारे हमें पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है। तो ये एक सेकेंड मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है कि जो बच्चे अभी पास आउट हो चुके हैं वो कैसी कंपनीज में हैं, वो कैसा अर्न कर रहे हैं। तो स्पेशली हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए प्लेसमेंट एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट, यहाँ तक कि मेन फैक्टर भी हो जाता है ज़्यादातर लोग के लिए कि हमें कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। नंबर थ्री, फीस। तो यार फीस ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कॉलेज की बहुत ज़्यादा वैरी करती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की कम होती है, प्राइवेट कॉलेज की बहुत ज़्यादा होती है। और तुम्हें पता ही होगा कि कौन से प्राइवेट कॉलेज की सबसे ज़्यादा फीस है और वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो अपना फेवरेट बिट्स पे लानी, तो उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है। बट हाँ, उसका एक्सपोजर, उसका ब्रांड, उसकी प्लेसमेंट, यहाँ तक सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। बट वही है, फीस को भी हमें एक बार अकाउंट में ज़रूर रखना चाहिए। जब आप डबल पे कर रहे हो, कहीं पे कई कई के हिसाब से तो ट्रिपल पे कर रहे हो, तो आपको देखना चाहिए कि वो आपको क्या वैल्यू दे रहा है, ये ऐसी क्या वैल्यू दे रहा है जो वो नहीं दे पा रहा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली जो एक बात होती है कि आप कितनी फीस दे रहे हो, फिर आपका कितने का प्लेसमेंट लग रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो नंबर थ्री पे फीस। नंबर फोर, लोकेशन। तो यार कॉलेज की लोकेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और यहाँ मैं लोकेशन दो सेंस में बोल रहा हूँ। नंबर वन कि यार तुम्हारे जो भी कॉलेज है वो तुम्हारे घर से कितना पास है, तुम्हारे होम स्टेट, तुम्हारे होम सिटी से कितना पास है। और नंबर टू लोकेशन में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो मेट्रो सिटीज़ में है, रिनोन्ड सिटीज़ में है, या फिर वो थोड़ा टीयर टू सिटीज़ और टीयर थ्री सिटीज़ में। क्योंकि यार देखो, टीयर वन सिटीज़ से एडेड एडवांटेज तो हमें मिलता ही है। तो दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर और जितने भी ऐसे टीयर वन सिटीज़ हैं, बहुत सारी हैं, तो सबको मैं काउंट नहीं गिन नहीं रहा यहाँ पे, है ना। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में और एक्सपोजर में भी, क्योंकि आप अलग अलग लोगों से मिलते हो सिटी के, है ना, तो उसका आप पे भी इम्पैक्ट पड़ता है।
तो दोनों सेंस में देख लो यार कि तुम्हारे घर के तुम्हें पास चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली पास ही चाहिए होगा, कुछ लोग को दूर भी चाहिए होता है ना। और दूसरा कि लोकेशन तुम्हारी मेट्रो सिटीज़ टीयर 1 सिटीज़ में है या फिर टीयर 2 सिटीज़ में या टीयर 3 सिटीज़ में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखो। एंड फाइनली नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। तो यार स्पेशली अगर तुम कोई ऐसे कोर्स के लिए जा रहे हो जिसके लिए तुम्हें काफ़ी इक्विपमेंट्स चाहिए, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि वो कॉलेज हमें क्या लैब्स प्रोवाइड कर रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, उसके हॉस्टल्स कैसे हैं। तो ये सारा पार्ट भी थोड़ा रोल ज़रूर प्ले करता है। तो बिफोर एब्सोल्युटली जॉइनिंग अ कॉलेज, वी शुड कंसिडर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ दैट इट ऑफर्स। स्पेशली अगर हमें कोई एक ऐसा कोर्स लेना है जिसपे प्रोफेशनली हमें घर से काम नहीं कर सकते, हमें काम करना होगा लैब्स में जाके, ठीक है। तो उस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास अच्छी इक्विप्ड लैब्स। यार ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो सबके अलग अलग प्रायोरिटी पे हो सकते हैं, तो मैं अपनी पर्सनल प्रायोरिटी शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, एक्सपोजर एंड कॉलेज बैंड। नंबर 2, प्लेसमेंट्स। नंबर 3, फीस। नंबर 4, लोकेशन। एंड नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। जिस ऑर्डर में मैंने बताया वही ऑर्डर में मेरी प्रायोरिटी है। तो आपको भी अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए और उसके हिसाब से फिर कॉलेजेस देखने चाहिए कि कौन सा आपको बेस्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं कि क्या क्या कॉलेज ऑप्शन मेरे पास हैं अभी, ठीक है। सो जिनको नहीं पता, मेरी 97.2% आई थी जेईई मेंस में और जेईई एडवांस मैंने क्वालिफाई किया था, बट उसमें मेरी रैंक ऐसी नहीं है कि IITs में एडमिशन हो पाए। तो ये मेरे पास फाइनल ऑप्शंस हैं अपनी जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे और बिट सैट स्कोर के बेसिस पे। तो सबसे पहला LNMIIT CSE। तो LNMIIT, जिन्होंने नहीं पता, जयपुर में कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, PPP मॉडल पे है, और इसमें CSE, ये है मेरा पहला ऑप्शन। नंबर 2, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो हाँ, मैं दिल्ली का रेसिडेंट हूँ, तो मेरे कोटा की वजह से मेरे को दिल्ली DTU में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रही है। और सेम ऑप्शन इसी के साथ मैं दूसरा ही बताऊँ तो वो है NSUT की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें मैंने अभी तो DTU को ही ऊपर रखा है, बट लेट्स सी। और थर्ड ऑप्शन जो आता है वो है न्यू IIITs की CSE, जैसे कि IIIT गुवाहाटी, IIIT नागपुर, इन सब जगह पे मेरे को CSE मिल रही है। अभी धूप इतनी आ गई है। नंबर 4, बिट्स पिलानी में डुअल डिग्री। तो यार अभी तो मैं फर्स्ट राउंड के बेसिस पे वेट लिस्टेड में आऊँ, बट बहुत हाई चांस है। मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी, उसको 222 स्कोर पे बिट्स पिलानी कैंपस में MSc बायोलॉजी डुअल डिग्री मिल गई थी। तो उसमें डुअल डिग्री में मेरे को भी मिल सकता है राउंड 3 राउंड 4 तक। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है जैसे हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यार बस यही ऑप्शन मेरे पास हैं, इन चारों में से ही मैं एक कॉलेज में जा रहा हूँ, या तो न्यू IIITs की CSE, या तो LNMIIT की CSE, या तो DTU की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या तो बिट्स पिलानी कैंपस का डुअल डिग्री। तो देखते हैं यार फिर कहाँ जाते हैं हम। तुम कौन से कॉलेज में जाने का सोच रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बताओ, तुम्हें क्या लगता है इसमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, अपना ओपिनियन अपने रीज़न के साथ बताओ, है ना। और फिर यार चलो बताओ कौन कौन से कॉलेज में जा रहे हो, अगर ऑलरेडी कॉलेज में पहुँच चुके हो तो कनेक्ट करते हैं। और शेयर करो यार इस वीडियो को, स्पेशली जो 5 पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प के हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और अपना प्रायोरिटी ऑर्डर बताओ इन 5 पॉइंट्स में से तुम्हें क्या लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।